बोल इंडिया, सच की आवाज, अब सच देखेगा इंडिया। का जो है सरकार के द्वारा जो मजदूर विरोधी किसान विरोधी निर्णय लिए गए उस नीतियों के विरोध में हमारे जो फेडरेशन है ऑल इंडिया स्तर पे उनके निर्णय अनुसार जो है ये स्ट्राइक की जा रही है। कौन से एरिया में? ये पूरे भारत के सभी पब्लिक सेक्टर जितने हैं सब पब्लिक सेक्टर बता कर रहे हैं। हमारा कोयला क्षेत्र है, कोयला क्षेत्र के विरुद्ध में सरकार के कुछ निर्णय हैं जो हमारे कोल कर्मियों के लिए बहुत घातक है, बहुत नुकसानदायक है, उनके भविष्य के लिए खतरा है, इसलिए हड़ताल की जा रही है। मुआरी खदान से? जी सर, पूरे कन्हान एरिया में है। पूरे कन्हान एरिया कल से एक दिन का है, 26 तारीख एक दिन का शांति। क्या मांग है इसमें आपकी? इसमें मांग हमारी है कि हमारी कोल इंडिया का जो कॉमर्शियल माइनिंग करके सरकारी जो माइन है उनको प्राइवेट में देने का जो सरकार निर्णय ली रही, हमारा पेंशन के ऊपर जो है प्रहार करने की जो नीति बनाई जा रही है, फंड के ऊपर जो है नीतियाँ गलत बनाई जा रही है जिससे हमारे कर्मचारियों को बहुत नुकसान है, उनका भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। तो आयकरदाता नहीं है वो है दूसरा, एक आयकरदाता जो नहीं है समाज में उनके लिए 7,500 रुपये प्रति माह सरकार की ओर से दिया जाए, ऐसी हमारी मांग है। अभी सरकार ने जो नया जो निकाला है रिटायरमेंट करने का स्कीम, 30 साल की नौकरी 55 साल की उम्र, उसका विरोध कर रहे हैं हम लोग। इन सब सारी बातों को लेकर के जो चला पूरे देश भर में जो है, पूरे पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, बैंक, बीमा, LIC सब बंद रह जाता है 30 तारीख में।